सुनो तुम चलो, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल करके आती हूँ। भैया आप यहाँ? वो प्रिया, मैं तुझे बताने ही वाला था इस बारे में। क्या बताने वाले थे भैया? क्या ये सब? आप क्या वेटर हो क्या? हाँ, मैं यहाँ पिछले 2 महीने से पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना भैया, और क्या है ये सब? पता है, अगर मेरे दोस्त को पता चल गया कि आप मेरे भैया और यहाँ वेटर का काम करते हो तो कितनी बेइज्जती होगी मेरी। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं था तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल रख लेते ना। क्या जरूरत थी ये काम करने की? मेरी मजबूरी थी। ऐसी कौन सी मजबूरी थी भैया जो आपको ये काम करना पड़ा? आई कांट बिलीव दिस। ध्यान से सुन लो, अगर यहाँ किसी को भी पता चला ना कि आप मेरे भैया हो तो अच्छा नहीं होगा। और I'm really ashamed of you भैया। प्रिया तू ये सब क्या बोल रही है? बस भैया, मेरा नाम भी मत लेना और मेरे पीछे भी मत आना। प्रिया सर, मैम आपका ऑर्डर। यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव डिश और ड्रिंक्स ले आओ, जाओ। पर मैम, इसमें तो आपका बिल 5,000 से ऊपर चला जाएगा। कम सुनाई देता है क्या तुम्हें? और वैसे भी 5,000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं है मेरे लिए। अरे इसके लिए तो बड़ी चीज होगी ना, ये तो मामूली सा वेटर है, इसने कहाँ इतनी महंगी डिश खाई होगी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। खड़े खड़े मेरा मुँह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। जी मैम। ओके सर। मैम आपका बिल 7,125। ये लो, जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। मैम आपका कार्ड डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन हो रहा है? दैट्स नॉट पॉसिबल, कार्ड में पैसे हैं मेरे, एक बार फिर से ट्राई करो। जी मैम। मैम नहीं चल रहा है आपका बिल। तेरे कार्ड से बार बार पेमेंट डिक्लाइन हो रही है, अगर पैसे नहीं थे तो इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों की तूने? और मेरे से उम्मीद मत रखियो, मैं कोई पे वे नहीं करने वाला। मैम हो गई, आपके कार्ड की पेमेंट एक्सेप्ट हो गई। हो गया ना? देखा, हो गया, मैंने कहा था ना। चले ईएमआई कटने का मैसेज आया, फिर ऊपर बिल कैसे पे हुआ? क्या हो गया? अब क्या सोचने लग गई तुम? अब सुनो, तुम चलो, मैं अपने भैया से मिलकर आती हूँ, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। भैया? यहाँ भैया कहाँ से आ गए? तो जो ऊपर वेटर है ना, वह मेरे भैया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। प्रिया क्या हुआ? प्रिया सब ठीक है ना? देख मुझे माफ कर दे, मुझे तुझे सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए। नहीं भैया, माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए, मैंने आपकी बात बिना सुने आपकी कितनी बेइज्जती की, अपने दोस्त के साथ मिलकर आपका कितना मजाक उड़ाया, और वही दोस्त पेमेंट ना होने पर मेरा मजाक उड़ा रहा था। देख इसमें मेरी ही गलती है, अगर मैं तुझे समय रहते सब कुछ बता देता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। वो क्या है ना, हमारी कंपनी पिछले 1 साल से लॉस में चल रही है और पिछले 3 महीने से मुझे सैलरी नहीं मिली, इसी वजह से मुझे यहाँ पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी ताकि तेरी पढ़ाई पे या किसी भी चीज में कोई कमी ना रहे। कितनी बुरी हूँ ना मैं भैया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से मैंने आपकी कितनी बेइज्जती की, और जबकि आप ये सब मेरे लिए ही कर रहे थे। इमेज और स्टेटस कुछ नहीं होता। अभी अगर आप पेमेंट हो जाने का झूठ नहीं बोलते तो मेरा दोस्त मेरी बहुत मजाक उड़ाता। I have realized भैया, ये दिखावा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और कोई भी काम छोटा भी नहीं होता। ये प्लीज मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं, और देख अगर तेरे
सच्चे दोस्त होंगे ना तो तुझे कभी भी इस चीज को लेकर जज नहीं करेंगे। अच्छा भैया वो पेमेंट का क्या रहा? वो तेरा कार्ड बार बार डिक्लाइन हो रहा था ना तो मैंने झूठ बोल दिया। अब पेमेंट मैंने कर दिया तो कोई टेंशन की बात नहीं है। मेरे होते हुए तू थोड़े ना परेशान हो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.